हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीएसयू बैंकों के बारे में, इसमें स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिसमें तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ब्रेकआउट के पीछे बढ़िया खबर है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। यहाँ पे देखे डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। इन वीडियो को आप वॉचआउट कर सकते हो, अपने एजुकेशन पर्पज के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, और आप इसमें से आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे आप को निवेश करना है। जी हाँ, अभी बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सिचुएशन किस तरह की चल रही है। तो सिचुएशन बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली गूगल पे लेकर के आया हूँ, और बैंक ऑफ बड़ौदा की सिचुएशन किस तरह की चल रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस 116 रुपये के आसपास है। 9% की तेजी आज देखने को मिली है, और यहाँ पे चार्ट पे तगड़ा ब्रेकआउट भी हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला है। तो पहले तो बात करेंगे कि इतनी तेजी क्यों है, तेजी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे जो तेजी के पीछे खबर बताई जा रही है वो आपके सामने है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर 7% ऑन लोअर प्रोविजनिंग इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। तो दोस्तों, किसी भी बैंक के लिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। इससे भी ज़्यादा जो बाज़ार में हमेशा कंसर्न रहता है, बैंकों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बैंक और फाइनेंशियल की, कि इसका प्रोविजन रेशियो कितना है और यहाँ पे एसेट क्वालिटी किस तरह की है। पिछले कुछ समय में बात करें, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि सरकारी बैंकों की जो सिचुएशन सबसे वर्स्ट थी वो यहाँ पे एसेट क्वालिटी को लेकर के ही थी, जिसके चलते उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा मार्केट में मिल नहीं पा रही थी। परंतु अभी बात करें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और केनरा बैंक की बात करें, जैसे अच्छे अच्छे बैंकों की बात करें, तो उनकी लगातार यहाँ पे एसेट क्वालिटी में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो Q3 के नंबर आए थे यहाँ पे सैटरडे को, और नंबर में यहाँ पे बात करें तो एसेट क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, और प्रोविजन में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाई दिया। जी हाँ, सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन प्रोविजन एंड बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बाजार में यहाँ पे आज खुशियों का माहौल है, तेजी का माहौल है, और बैंक ऑफ बड़ौदा 10% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यही वन ऑफ द रीजन है ओनली, जिसके चलते आज निफ्टी बैंक रेड निशान में है। परंतु पीएसयू बैंक्स देखोगे, जैसे कि मैं बात करूं SBI, PNB, BOB, केनरा बैंक, इन सभी के सभी में हरा निशानी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो लीड कर रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्योंकि इसके क्वार्टर के नंबर सबसे अच्छे आए हैं। यह भी बात करना चाहूंगा एनएससी की वेबसाइट पे लेके, कि कारोबार की सिचुएशन किस तरह की है। तो कारोबार की सिचुएशन बताने के लिए डेफिनेटली एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 117 रुपये पे प्राइस चल रही है, 11% की तेजी अभी हो चुकी है। और यहाँ पे बात करें प्रीवियस क्लोजिंग, तो 106 रुपये 55 पैसे, ओपन 108 रुपये 80 पैसे, हाई 117 रुपये का, लो 108 रुपये के आसपास का। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अभी मात्र 10 बजे तक की ही अपडेटेड सिचुएशन है, क्योंकि मैं चालू मार्केट में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 करोड़ 84 लाख शेयर की ट्रेडिंग है, 1 करोड़ 74 लाख शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 30% के अराउंड है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। चार्ट पे ले जाने से पहले, जो कि यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट लेवल टारगेट बताऊंगा, उससे पहले एक बार टिकट टेप की वेबसाइट पर लेके जाना चाहूंगा, और वहाँ पे एनालिस्ट का किस तरह का रुझान है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे टिकट टेप की वेबसाइट पे लेके आया, और यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एनालिस्ट रेटिंग है वो सर्च करके रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 31 एनालिस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 77% एनालिस्ट इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे टारगेट प्राइस किस तरह के दिए जा रहे हैं वो भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 106 कल की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, हायर साइड जो टारगेट बताया जा रहा है वो 173, 62% की अपसाइड बताई जा रही है। मीडियम जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो 118, यहाँ से भी 11% की अपसाइड दिखाई दे रही है, और लोअर साइड जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 53 का, 50% की डाउनफॉल। तो ये मुझे लगता नहीं कि 50 रुपये के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आपको कभी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 170 के आसपास के जो टारगेट है वो अचीवेबल मुझे यहाँ से दिखाई देते हैं। जी हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, परंतु पीएसयू बैंकों में मुझे लगता है आगे जाकर के बढ़िया सिचुएशन क्रिएट होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको सीधा पहले तो अभी चार्ट पर लेके जाना चाहूँगा, और मंथली टाइम फ्रेम पर बात करने की कोशिश करेंगे, बड़ी टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल निकल करके आ रहे हैं वो 2019 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था तब के निकल करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए 35 के आसपास का लो बनाया था, और मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 60 के आसपास से,
मेरे जो प्राइम मेंबरशिप लेकर के बैठे हुए उसको, और वहाँ से वो लोग होल्ड कर रहे हैं, लगभग लगभग पैसा डबल हो चुका है उनका। यहाँ पे बात करूँ तो अभी जिस तरह का ब्रेकआउट ये जो 105 के लेवल से देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी, परंतु क्लोजिंग और बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। 135 का लेवल अभी मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और उसके बाद 153 टू 155 का लेवल मुझे लगता है जल्दी से बैंक ऑफ बड़ौदा में आ सकता है। जल्दी का मतलब एक दो दिन की बात डेफिनेटली नहीं कर रहा हूँ, आप 5 से 6 महीने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे देखोगे तो 155 तक के लेवल मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा आपको डेफिनेटली दिखा सकता है, जो कि यहाँ से परसेंटेज में गिनोगे तो बढ़िया परसेंटेज निकल करके आएंगे। आरएसए का लेवल देखें तो 62 के आसपास है, तो अभी भी ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश है मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत आरएसए का लेवल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा कब स्टडी करिए और इसके बाद ही यहाँ पर कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।